देख रहे हैं SGN News, मुद्दे की बात आपके साथ। लाल सलाम के नारों से गुंजा विश्वविद्यालय परिसर। ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन के छात्रों ने किया विश्वविद्यालय का घेराव। सैकड़ों की संख्या में छात्रों ने निकाली रैली, छात्र हित के लिए उठाई आवाज। पुणे विश्वविद्यालय में छात्रों की समस्याओं की लंबी फेहरिस्त लिए संगठन के सदस्य पहुंचे विश्वविद्यालय परिसर। पुणे के इंदिरा गांधी स्टेडियम में पुणे के अलावा कटिहार, अररिया व किशनगंज के सैकड़ों छात्र एकजुट हुए। यहां से एक विशाल रैली निकाली गई। रास्ते भर विश्वविद्यालय प्रशासन और कुलपति के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आयशा के सदस्य विश्वविद्यालय पहुंचे। बड़ी रैली को देख विश्वविद्यालय के प्रोक्टर व DSW ने छात्रों से बात की, मांगों को सुना और एक सात सदस्य डेलीगेट को मिलने के लिए बुलाया। पिछले महीने 21 तारीख को हम लोगों ने जो मांग था चार्टर ऑफ डिमांड कुलपति महोदय को हम लोगों ने सौंपा। देखिए 6 तारीख से लेकर के 12 तारीख तक पूरे बिहार भर में आयशा बिहार के तमाम विश्वविद्यालयों के प्रदर्शन करने का आयशा ने दिया। उसी करीब में आज हम लोगों ने पूर्णिया विश्वविद्यालय का घेराव किया है। आप जानते हैं कि पूर्णिया विश्वविद्यालय BN मंडल से कट करके जो बना वो लंबे संघर्षों की वजह से बना, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि पूर्णिया विश्वविद्यालय के भीतर शिक्षा की जो स्थिति है वो लगातार उसमें एक गिरावट है, बद से बदतर होती जा रही है। यहाँ शिक्षकों की भारी कमी है। इस बार जो रिजल्ट आया है उसमें बहुत लार्ज स्केल पे गड़बड़ी हुई है, बहुत बड़े पैमाने पे गड़बड़ी हुई है। रीचेकिंग की कोई सुविधा नहीं है। अगर छात्र को लगता है कि हमारे कॉपी का मूल्यांकन ठीक से नहीं हुआ है तो रीचेकिंग की कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। ठीक इसी तरीके से इस बार का जो पूरा नामांकन प्रक्रिया है, आप सोचिए कि एक तरफ भारत अपने आप को कहता है कि इंडिया जो है वो वेलफेयर स्टेट, और यहाँ आप देख लीजिए कि छात्रों से नामांकन परीक्षा के नाम पर 1,000 रुपया लिया गया है। आप सोचिए कि कितना इलॉजिकल है, कितना इरेशनल है कि 1,000 रुपया नामांकन परीक्षा के नाम पे पूर्णिया विश्वविद्यालय ने वसूला है। तो आयशा का सीधे सीधे मानना है कि ये जो परिपाटी है ये बंद होनी चाहिए। नामांकन परीक्षा के नाम पर 1 भी रुपया छात्रों से नहीं लिया जाना चाहिए, और साथ ही साथ जितने छात्रों ने नामांकन परीक्षा में पंजीकृत कराया था सारे छात्रों का नामांकन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इस बार हम लोगों ने देखा कि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार कहती है कि हम शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण करेंगे, शिक्षा जो है आम लोगों तक, गरीब परिवारों में पले बढ़े लोगों तक हम पहुंचाएंगे, लेकिन हम देख रहे हैं कि पूरे बिहार में हर विश्वविद्यालय में अगर 40,000 सीट है तो 1,00,000 छात्र आवेदन करते हैं। इसका मतलब ये है कि छात्रों के भीतर पढ़ने की इच्छा है लेकिन विश्वविद्यालय में उतनी सीट नहीं है। तो हमारी ये मांग है कि पूर्णिया विश्वविद्यालय में सीटों की संख्या बढ़ाई जाए। सीटों की संख्या को बढ़ा करके जो लोग भी नामांकन के इच्छुक हैं उनका नामांकन सुनिश्चित किया जाए। इस मांग के साथ आज हम लोग घेराव कर रहे हैं। साथ ही साथ आप देखिए कि LLB के नामांकन परीक्षा का विज्ञापन निकला, छात्रों ने आवेदन दिया लेकिन परीक्षा नहीं हुई, मेरिट लिस्ट निकल गया, तो उसकी हाई लेवल इंक्वायरी होनी चाहिए। विश्वविद्यालय की तरफ से उच्च स्तरीय इंक्वायरी होनी चाहिए और जो लोग भी LLB के इच्छुक छात्र हैं उनकी परीक्षा होनी चाहिए, नामांकन परीक्षा होनी चाहिए, उसके बाद उनका नामांकन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इन मांगों के साथ और भी छात्रों से जुड़ी हुई बहुत मांगे हैं। आप देखिए कि यहाँ प्रोफेशनल कोर्स चलता है, उसको रोजगार परक शिक्षा कहा जाता है, लेकिन रोजगार कहीं छात्रों को मिलता नहीं है, कोई प्लेसमेंट सेल नहीं है, छात्रों से पैसा लिया जाता है लेकिन उसका अपना विभाग नहीं है। तो हम ये भी मांग करते हैं कि पूर्णिया विश्वविद्यालय के भीतर प्लेसमेंट सेल का गठन हो,
जो भी प्रोफेशनल कोर्स है उसका अपना भवन हो, उसका अपना विभाग हो, और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के देश भर में जस्टिस वर्मा कमेटी बनी, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के इतनी बात हुई, सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन विशाखा गाइडलाइन आया कि हर पब्लिक इंस्टीट्यूशन में, हर विश्वविद्यालय में जेंडर सेंसिटाइजेशन, सेल अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट बनना चाहिए जीएस कैश, लेकिन पूर्णिया विश्वविद्यालय में वो फंक्शन नहीं है। तो हम ये भी डिमांड करते हैं कि पूर्णिया विश्वविद्यालय में जीएस कैश का निर्माण हो, रीचेकिंग की व्यवस्था हो, और शिक्षकों कर्मचारियों के जो पद लंबित हैं, आप समझिए कि पूरे बिहार भर में 70-80% शिक्षकों और कर्मचारियों के पद रिक्त हैं। तो हमारा ये भी मानना है कि पूर्णिया विश्वविद्यालयों में जो शिक्षकों कर्मचारियों के पद रिक्त हैं उन पर अविलंब बहाली हो, क्योंकि उन पर बहाली जब तक नहीं होगी शिक्षा गुणवत्तापूर्ण छात्रों को नहीं मिलेगी, और इसको बिहार का छात्र कतई बर्दाश्त नहीं करेगा, इसलिए आज हम लोगों ने घेराव किया है। अभी DSW और प्रोक्टर आए थे, बातचीत उनसे हुई है, कुलपति महोदय राजभवन में मीटिंग है उसके लिए गए हैं, हमने कहा है कि आप उनसे बात करिए और जल्दी ही आयशा के एक प्रतिनिधिमंडल को कुलपति समय दें, ये आप श्योर करिए। उन लोगों ने कहा है कि कुछ जो सवाल है वो हम लोगों से जुड़ा हुआ है, तो हम लोगों से आप बातचीत कर सकते हैं। तो अभी 7 सदस्यीय एक प्रतिनिधिमंडल मिलेगा, हम बातचीत करेंगे, अगर विश्वविद्यालय सकारात्मक पहल लेने की दिशा में बढ़ता है तो हम इस आंदोलन को अभी रोकेंगे, अगर पहल नहीं लेता है तो इस आंदोलन को हम और तेज करेंगे और उग्र करेंगे। ऐसा के लोग यहाँ पर आए हैं, प्रदर्शन भी किए हैं, तो हमारी बातचीत उन लोगों से हुई है, वो अभी डेलीगेशन बोले हैं कि आके मिलेंगे, मिले नहीं है। बात यही है कि माननीय कुलपति को राजभवन में मीटिंग है जिसमें हमारे वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार, फाइनेंस ऑफिसर, प्रो वाइस चांसलर, सब विश्वविद्यालय के ये पदाधिकारियों को बुलाया गया, इसलिए हमने उनसे कहा है कि आप एक डेलीगेशन मीट हमसे मिलो और अपना चार्टर ऑफ डिमांड दो, और एक डेट कुलपति से बात करने के बाद मैं आप लोगों को फिक्स कर दूंगा, उसके बाद आकर के आप मिलिए। यही बात मेरी हुई है।